अत्याचारी माँ। किशनपुर नामक गांव में मोहन और उसकी पत्नी बबीता रहते थे। उनकी एक 5 साल की बेटी थी काजल, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी, जिस वजह से गांव के लोग डर जाया करते थे। वहीं दूसरे गांव में काजल की एक बुआ कंचन रहा करती थी। वो प्रेग्नेंट थी तो वो अपने भाई मोहन के घर जाने की सोची। वहां जाकर मोहन की पत्नी बबीता ने उसका बड़े ही प्यार से स्वागत किया। दीदी, कैसे आना हुआ आपका? और तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? और भैया कैसे हैं? सब ठीक है। जब ये लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ काजल आ जाती है। जब उसने अपनी बुआ को देखा तो वो बोली, ओह बुआ कैसी हो? अरे आप कितना ज्यादा खाना खाती हो, आप कितनी मोटी हो गई हो, पेट तो देखो अपना। अरे काजल, ये खाने की वजह से नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। काजल वहाँ से चली गई। क्यों भाभी, काजल में कोई सुधार नहीं हुआ क्या? आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैंने कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई नहीं जान पा रहा कि बीमारी क्या है। पता नहीं किसी ने काला जादू किया है या क्या किया है। मुझे अपनी बच्ची को लेकर बड़ी चिंता लगी रहती है। भाभी, क्या हमारा कोई दुश्मन है यहाँ? नहीं दीदी, हमारे तो यहाँ किसी से संबंध खराब नहीं है। जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ मोहन आ गया। अरे छुटकी, कैसी है रे तू? ऐसे ही बातों बातों में वो दिन बीत गया। फिर अगले सुबह कंचन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तभी मोहन ने एक लेडीज डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी कमजोरी आ गई है, इन्हें पौष्टिक भोजन खिलाइए, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देती हूँ, इन्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और वहाँ से चली गई। ये सब काजल देख रही थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब जब भी बुआ बीमार पड़ेगी तो इन्हें मैं इंजेक्शन दे दिया करूँगी, है ना? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक कंचन को उल्टी होने लगी। उस दिन घर पर कोई नहीं था, मोहन और बबीता किसी काम से बाहर गए हुए थे। ये भगवान, ये क्या, मुझे उल्टी हो रही है और भैया और भाभी घर पर नहीं है। कंचन परेशान हो गई। जब काजल ने अपनी बुआ को परेशान देखा, बुआ आपको उल्टी क्यों हो रही है? इसका मतलब कि आप बीमार हो। रुको, मैं अभी आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर काजल कहीं से जानवरों का इंजेक्शन ढूंढकर ले आती है। हे भगवान, ये इंजेक्शन कहाँ से ले आई तू? बुआ ये इंजेक्शन है, इसके लगने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। काजल की बात सुनकर कंचन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। काजल उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर लेटा देती है और उसे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी बबीता वहाँ आ गई। ए काजल, ये क्या कर रही है तू? वो उससे इंजेक्शन लेकर दूर फेंक देती है। माँ आपने इसे क्यों फेंका? बुआ बीमार है, मैं उनका इलाज कर रही थी लेकिन आपने इसे फेंक दिया, अब मैं इनका इलाज कैसे करूँगी? काजल की बात सुनकर बबीता को गुस्सा आ गया और वो उसे पीटने लगी। माँ आप मुझे मार क्यों रही हो? मुझे मत मारो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। फिर काजल रोते रोते वहाँ से चली गई। दीदी आप ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है तुम समय पर आ गई, अगर तुम्हें एक मिनट भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या होता, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम इस घर में पागल लड़की को रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझे तो इसे किसी पागल खाने फेंक आना चाहिए। ऐसा ना कहो भाभी, ये जैसी भी है आपकी बेटी है, अब हम अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते ना, अब उसे डांटने पीटने से क्या फायदा, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं ठीक हूँ। इधर काजल एक कोने में बैठकर रो रही होती है। माँ ने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बुआ का इलाज ही तो कर रही थी। इसी बीच मोहन आ गया।
पापा, माँ ने मुझे बहुत मारा। काजल की बात सुनकर मोहन गुस्से से बबीता के पास गया और उसे बोला, बबीता, तुमने काजल को क्यों मारा? तब बबीता ने मोहन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोहन चौंक गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन से काजल चुप चुप सी रहने लगी और ठीक से खाना पीना खाना भी छोड़ दिया। हालांकि बबीता ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और खाने की थाली फेंक दी। ऐसे में बबीता को और गुस्सा आ गया और उसने फिर काजल की पिटाई कर दी। फिर रात को काजल को नींद नहीं आ रही थी, वो पूरी रात रो रही थी। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो माँ मुझे रोज मारेगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, सबसे दूर। हाँ, फिर काजल आधी रात को उठकर घर छोड़कर चली गई। अगले दिन जब बबीता उठी तो उसने देखा कि काजल घर में नहीं है। उसने मोहन को उठाया। अजी उठिए, काजल घर में कहीं नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। क्या? बबीता की बात सुनकर मोहन काजल को ढूंढने निकल पड़ा। उसके साथ बबीता और कंचन भी उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन काजल उन्हें कहीं नहीं मिली। थक हार कर मायूस वो लोग घर लौटे। महीनों बीत गए। कंचन एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे चुकी रहती है। वहाँ खुशहाल का माहौल तो था, पर एक तरफ काजल के ना होने का दुख भी था। कंचन भी उदास अपने बेड पर लेटी हुई थी। दीदी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम उदास क्यों हो? कितना अच्छा होता अगर काजल भी यहाँ होती। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई और किस हालत में होगी। हाँ दीदी, यही सोच कर मुझे भी बहुत दुख होता है, पर तुम उदास ना हो। आप ही ने कहा था ना कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, तो यही सोचो कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं और इस बात को भूल जाओ। हर कोई काजल के बारे में सोचकर उस घर में दुखी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। और बबीता को अपनी गलती का बहुत एहसास है कि काश अगर वो उस दिन उसे नहीं मारी होती और उसके फीलिंग को समझी होती तो आज यहाँ उन लोगों के साथ काजल होती। पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल मिली एंजल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।